कि इस वीडियो के अंदर आपने जो मुझे पूछा है सर, रेडियो ऑपरेटर के संबंध में क्या कि यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई जानकारी है क्या? जी बिल्कुल है, देखिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर मैंने जैसे आपको कल वीडियो के माध्यम से बताया था कि एफएक्यू एक ऑप्शन है यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिस आइकन को क्लिक करने के बाद में आपके जितने भी सवाल हैं यूपी पुलिस से संबंधित, वो चाहे भर्ती कांस्टेबल की हो या सब इंस्पेक्टर की हो या फिर रेडियो ऑपरेटर की हो, उन सभी सवालों के जवाब वहां पर दे रखे हैं। तो आप खुद जाकर के भी उन सभी सवालों के जवाब जो है वो जान सकते हैं कि भर्ती बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल तरीके से ये जो जवाब है लिखित रूप में आए हैं वो उनके प्रश्नों के जवाब क्या क्या हो सकते हैं। सर रेडियो ऑपरेटर के बारे में कुछ बताइएगा। तो बिल्कुल देखिएगा, रेडियो ऑपरेटर के बारे में भी उसमें एक सवाल था और वो सवाल क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिएगा उसमें सवाल था और वो ये सवाल ये था कि रेडियो विभाग में कर्मशाला कर्मचारी यानी वर्कशॉप स्टाफ, सहायक परिचालक यानी असिस्टेंट ऑपरेटर, प्रधान परिचालक यानी हेड ऑपरेटर के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा कब आयोजित की जाएगी, ये आपका सवाल था। और इस सवाल का जो जवाब है उन्होंने क्या दे रखा है देखिएगा, मैंने पढ़ लिया है और ब्रीफ में थोड़ा सा बताता हूँ। इसमें उन्होंने जवाब दिया है कि ये जो भर्ती है इसकी सबसे फर्स्ट प्राथमिकता में रहा गया है, यानी कि देखिएगा यूपी पुलिस में जो भी एग्जाम होगा उसमें जो उनका कैलेंडर है मतलब जो लिस्ट है उस लिस्ट में सबसे ऊपर यानी फर्स्ट नंबर पर रेडियो की ही भर्ती को रखा गया है। उसका जो एग्जाम है उसकी पहली प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहला एग्जाम, जैसा मैं पहले से भी बताते आ रहा था, क्योंकि भर्तियां अगर नई आती हैं तो उनका फॉर्म भरा जाता है और उसकी एक प्रोसेस होती है जो एक मतलब डिले बाय डिले होती है, लेकिन क्योंकि इसका फॉर्म भर गया है तो इसमें पहला जो है वो आपका एग्जाम ही बाकी है। तो ऐसे में अब आप ये मान के चलें कि इसमें कहा गया है कि आगे आने वाले चार जो महीने हैं, इन आगामी चार महीनों के अंतर्गत आपका रेडियो जो विभाग है रेडियो के अंतर्गत जो वैकेंसी है उनका एग्जाम करा लिया जाएगा। ये जो भर्ती है वो सच में प्राथमिकता है, जैसा आपको भी जो है समझ पा रहे होंगे, क्योंकि प्राथमिकता के आधार पर इस भर्ती का जो है वो पहले एग्जाम कराना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि नई भर्ती के लिए फॉर्म भरे जाते हैं उसके बाद में जो है इसका पेपर करवाया जाता है, लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं है, फॉर्म भर चुके हैं बस एग्जाम बाकी है। तो बस आपसे बस यही एक नया अपडेट था यूपी पुलिस के रिगार्डिंग। तो आप हेड ऑपरेटर की जो तैयारी कर रहे हैं उसको आप चालू रखना और लगातार जो अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यूअस है उसको कंटिन्यूअस वे में जो है चलते रहने देना। जैसे ही आएगा वैसे सभी का जो है आपको पता है बहुत ज्यादा समय नहीं मिल पाता है, तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सब कंसिस्टेंट, आपकी जो रिदम है जो अब तक बनी आ रही है वो, क्योंकि देखो यूपी के क्षेत्र में जितने भी एग्जाम्स आते हैं उनके अलावा भी अगर आप किसी भी अन्य राज्य में भी एग्जाम देते हैं तो आपकी पढ़ाई जो है वो अन्य राज्य के एग्जाम में भी जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उससे मिलता है। तो ऐसे में आपने जो पढ़ाई कर रखी है, आप पढ़ाई कर रहे हैं लाइब्रेरी में जाकर के या फिर घर पर जाकर के, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब पढ़ाई को जो है बिल्कुल भी जो है वो ना छोड़ें, क्योंकि अब देखिएगा इन अपडेट्स के भरोसे ही जो है वो हम और आप जो एक भरोसा कर पाते हैं कि हाँ साहब। अब देखो आपने देख रखा होगा न्यूज़पेपर के अंतर्गत पिछले साल से या फिर इस साल में भी बहुत ज़्यादा जो है वो सूचनाएं आई हैं, लेकिन अब देखिए वो जो सूचना है वो न्यूज़पेपर के अंतर्गत आई हैं, लेकिन ये जो अपडेट है ये ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आई है। तो अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो ऑफिशियल वेबसाइट यानी ऑफिशियल जो लिखित में जवाब होता है उसका थोड़ा भरोसा जो होता है वो ज़्यादा होता है। और आप सब जानते हैं कि देखिए जब इसका एग्ज़ाम होगा तभी होगा, आप बहुत कुछ जो है वो नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो मेरा आप सबसे वो निवेदन है कि जितनी भी सिस्टर इस वीडियो को देख रही हैं वो सब जो है वो एक बार और जो हिम्मत जुटाइएगा और अपने पेरेंट्स से बोलिएगा कि इसका एग्जाम जो है जस्ट आने वाला है और मैं इस एग्जाम में जो है क्वालिफाई करके इस वर्दी को जो है जरूर ले लूंगी। तो उनको भी जो है जरूर मोटिवेट करें। और देखिएगा आप जो अदर यानी कांस्टेबल की जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप असिस्टेंट या हेड की भी तैयारी कर रहे हैं तो मैं कहूँगा देखिएगा रेडियो के अंतर्गत जो वर्कशॉप स्टाफ जो कांस्टेबल होता है ना सर, वो भी अलग कांस्टेबल से बेहतर स्थिति में होता है। अब बहुत जो उसके जो यू नो काम होते हैं, जो उसकी जिम्मेदारियां होती हैं वो दोनों से अलग होती हैं। सिविल का जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे आपको पता होगा सिविल जो होता है वो हर मैटर में इन्वॉल्व होता है सिविल पुलिस का, तो सिविल पुलिस की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। देखिए हर विभाग की जिम्मेदारियां अपने कार्य क्षेत्र में उस कार्य क्षेत्र के अकॉर्डिंग ही कम या ज़्यादा होता है, लेकिन सिविल का जिम्मेदारी ज़्यादा रहता है जिसका रेडियो से कोई संबंध नहीं है। रेडियो जो पुलिस होता है ना उसका संबंध जो है वो आपके सिविल से या फिर पीएसी से या फिर मैं बात करता हूँ असिस्टेंट ऑपरेटर से, माफ़ी चाहूँगा, या फिर घुड़सवार, इससे मतलब कोई कनेक्शन नहीं होता है। आप एक ऑफिशियल जो है वो ऑफिस मिलता है जिसमें आप बैठ करके जो काम करते हैं, 8 घंटे ड्यूटी होती है, पहले 6 था, स्टाफ ज़्यादा था, लेकिन आप क्योंकि समय रहते क्या होता है कि सेवानिवृत्त भी होते रहते हैं तो ऐसे में जगह खाली होती रहती है और
और इसीलिए इन जगहों को भरने के लिए इस भर्ती को जो है वो लाया जा रहा है। तो आप ये मान के चले क्योंकि आपकी जो भी पुलिस लाइन है वहां पर भी जाकर के आप खुद जो है वो असिस्टेंट या हेड या फिर वर्कशॉप स्टाफ से उनसे बात कर सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। इसमें जानने में कोई बुराई नहीं है, आप खुद जाकर के पूछ सकते हैं। और जब आप देखेंगे इसकी लाइफ स्टाइल और व्हाइट कॉलर जॉब है, मतलब आराम से जो है एसी की नौकरी है, कहीं ना भागा दौड़ी कहीं नहीं। अगर आप किसी भी एक जगह आपकी से नौकरी लग जाती है वहीं पर आराम से 10-12 साल रहिएगा विद फैमिली के साथ में और वहीं पर बच्चों को पढ़ाइएगा। तो इसमें क्या होता है कि मूवमेंट का सिस्टम नहीं होता है, तो ये एक बेहतर है। और ये जो विकल्प है आपका, इसको ज़्यादा प्राथमिकता में रखने की ज़रूरत है। आप लगातार पढ़ाई करते रहेगा। अगर आपके मन में है कोई भी सवाल रेडियो ऑपरेटर से संबंधित तो ज़रूर आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आज मेरा प्लान है कि मैं जो है रेडियो शाखा में जाकर के उनसे कुछ बातचीत करूं, जो आपके सवाल हैं उनके बारे में उनसे थोड़ा सा जो है मैं बातचीत करूं। तो बिल्कुल आप कमेंट करके अपने सवालों को रख सकते हैं। कल या परसों में जैसे ही मैं उनसे बातचीत करके आपके सभी सवालों के जवाब जान लूंगा तो मैं अगली वीडियो जरूर लेकर के आऊँगा। आप सब इसी तरह से भरोसा जो आपने बनाए रखा है उस भरोसे को जो कायम रखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक जो है शेयर करें। थैंक यू सो मच।